Hello everyone, welcome to @WhatMeHandles. I am Nidhi and I am here again with a new topic of discussion for today's lecture, that is sandwich ELISA. And before this lecture we have already discussed about direct and indirect ELISA, and agar aapne wo video nahi dekhi hai then go to the description box for the link and go and check with the video in detail manner. So let's discuss about sandwich ELISA. ELISA की बात कर रहे हैं, ऑब्वियसली हम जानते हैं कि ELISA में हम एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन की बात कर रहे हैं, हम डिटेक्शन की बात कर रहे हैं. ओके, अगर सैंडविच की बात करें तो हमें समझ में आती है ये चीज कि सैंडविच में कोई दो चीज जो है वो बीच में एक स्टफ लाइक स्ट्रक्चर को क्या किए हुए है, प्रेस किए हुए है. उस स्ट्रक्चर को, उस फॉर्मेट को हम कहते हैं कि यस दिस इज अ सैंडविच. इसीलिए अगर हम बात करें सैंडविच ELISA की, तो बिकॉज यहाँ पे भी दो एंटीबॉडी जो है वो एक एंटीजन को बीच में स्टफ करके रखती है, एज अ स्टफ बीच में प्रेस करके रखती है. दो एंटीबॉडीज के बीच में एंटीजन रहता है. ये जो स्ट्रक्चर है, ये जो फॉर्मेट है, ये सैंडविच की स्ट्रक्चर को फॉलो करता है, रिजेंबल करता है, इसीलिए हम इसको सैंडविच ELISA बोलते हैं. ठीक है, नाउ मूविंग फर्दर वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द डिफरेंट स्टेप्स एंड वी कैन से द प्रोसीजर ऑफ सैंडविच ELISA. तो इसमें अगर आप देखो ये सारे स्टेप्स आपको गिवन है बट यहाँ पे बहुत सारे स्टेप्स मिसिंग है. तो हम अपनी तरफ से कुछ स्लाइड्स रेडी करते हैं जहाँ पे हम बात करते हैं प्रॉपर प्रोसीजर होता क्या है. ओके, तो आप देखिए यहाँ पे सपोज ये हमारा क्या है, ये हमारा माइक्रो टाइटर वेल है, माइक्रो टाइटर प्लेट का, है ना. उसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले स्टेप के तौर पे हम करेंगे कि यहाँ पे बिकॉज सैंडविच ELISA जो है वो एंटीजन डिटेक्शन टेस्ट होता है, एंटीजन को डिटेक्ट करते हैं हम. तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम एंटीबॉडीज जो है उनको एड करेंगे. सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो सर्फेस होगी माइक्रो टाइटर वेल की उस पर हम एंटीबॉडीज को ऐड करेंगे. सो दिस इज द सर्फेस ऑफ माइक्रो टाइटर वेल. तो ये लीजिए हमने क्या किया, माइक्रो टाइटर वेल की सर्फेस पे एंटीबॉडीज को ऐड कर दिया. अब यहाँ पे क्या करेंगे, जो एंटीबॉडीज होंगी बिकॉज ये सबसे पहले ऐड हुई है इसलिए हम इनको प्राइमरी एंटीबॉडीज बोल देंगे. दीज आर प्राइमरी एंटीबॉडीज. ठीक है, नाउ अब यहाँ पे आप देखिए प्राइमरी एंटीबॉडीज जो है वो यहाँ पे सरफेस पे आके अटैच हो गई हैं. और बिकॉज इस सरफेस की प्रॉपर्टी होती है कि एंटीबॉडी और एंटीजन सबको स्टक कर सकता है, बाइंड कर सकता है, इसीलिए हम क्या करेंगे, क्योंकि हमें तो एंटीबॉडीज ही बाइंडेड चाहिए. तो अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, हम सेकेंड स्टेप में क्या करेंगे कि हम यहाँ पे इसकी ब्लॉकिंग कर देंगे, है ना. क्या कर देंगे, हम यहाँ पे इसकी ब्लॉकिंग कर देंगे. ब्लॉकिंग क्यों करेंगे, ताकि जब हम अपने सैंपल से, है ना, ताकि जब हम अपने सैंपल से फर्दर एंटीबॉडी एंटीजन्स को ऐड करें तो वो जो एंटीजन सैंपल में प्रेजेंट हो वो यहाँ सरफेस पे आके ऐड ना हो सके. और इसीलिए हम क्या करेंगे कि यहाँ पे इस सरफेस को ब्लॉक कर देंगे ताकि इस पे केवल एंटीबॉडीज ही प्रेजेंट हो. सो हमने सेकेंड स्टेप में क्या किया, सेकेंड स्टेप में हमने ब्लॉकिंग कर दी. एंड ब्लॉकिंग करेंगे हम किससे, ब्लॉकिंग करेंगे हम बोवाइन सोल्यूशन से, राइट. हमें पता है बोवाइन सीरम से हम ब्लॉकिंग करेंगे, जैसे कि हम फर्दर करते आ रहे हैं अब तक. देन थर्ड स्टेप क्या रहेगा हमारा, थर्ड स्टेप हमारा रहेगा वॉशिंग. ठीक है, क्या रहेगा थर्ड स्टेप हमारा, रहेगा वॉशिंग का. जब हमने फर्स्ट स्टेप में एंटीबॉडी ऐड की, दैट इज प्राइमरी एंटीबॉडी को ऐड कर दिया, नाउ हमने सेकंड स्टेप में ब्लॉकिंग कर दी, यानी बोवाइन सीरम ऐड करके ब्लॉकिंग कर दिया. तो अब हम क्या करेंगे कि हम इसकी वॉशिंग कर देंगे ताकि इन प्राइमरी एंटीबॉडीज में भी कुछ एंटीबॉडी ऐसी रही होंगी जो फ्लोट करती रही होंगी, तो वो फॉल्स रिजल्ट देंगी, इसीलिए उनको बाहर निकाल दिया ताकि यहाँ पे केवल एंटीबॉडीज जो स्पेसिफिक है एंटीजन के वही प्रेजेंट रहे और बाकी सब वेस्ट जो है वो बाहर निकल जाए. नाउ नेक्स्ट जो हमारा फोर नंबर का स्टेप होगा वो होगा, इसमें हम सैंपल को ऐड करेंगे. अब सैंपल ऐड हम हमेशा कैसे करते हैं, सपोज हमारे ब्लड में हमें एंटीजन को डिटेक्ट करना है तो हम क्या करेंगे कि हमारा ब्लड जो होगा सैंपल का काम करेगा. ब्लड में से हम क्या करेंगे, सीरम को आइसोलेट कर लेंगे, है ना. सीरम के अंदर एंटीजन प्रेजेंट है, हमने सीरम को आइसोलेट कर लिया एंड उसको हमने बफर में ऐड कर लिया, है ना. और ये बफर प्लस सीरम, आइसोलेटेड सीरम को हम क्या करेंगे, सैंपल यूज करेंगे. बफर कौन सा रहेगा, वही बफर प्रोटीन सैंपल, ठीक है, या सॉरी बफर सॉरी प्रोटीन बफर सैंपल, यस पीबीएस प्रोटीन बफर सैंपल. ओके, प्रोटीन बफर सैंपल का यूज करके हमने क्या किया, प्रोटीन बफर को सीरम आइसोलेटेड, मतलब जो आइसोलेटेड सीरम है उसको बफर में ऐड कर दिया एंड हमारा जो सैंपल है वो तैयार हो गया. अब यहाँ पे जो हम ऐड करेंगे वो क्या रहेगा, ये जो हमारा सैंपल हमने तैयार किया है वो. अब यहाँ पे देखोगे जब यहाँ पे आएगा तो यहाँ पे आप देखोगे कि यहाँ पे जो एंटीजन होंगे, अगर वहां पे हम जिस बीमारी के लिए एंटीजन को डिटेक्ट करना चाह रहे हैं, अगर वो एंटीजन हमारे ब्लड में हुए तो डेफिनेटली ये जो हमने एंटीबॉडी लगाई है ये एंटीजन स्पेसिफिक है. तो उन्होंने देखा हाँ भाई ये तो मेरा भाई है, तो ये जाके एंटीजन जो है इन एंटीबॉडीज पे जाके उनकी पैराटॉक्साइड पे जुड़ जाएंगे,
है ना, ऐसा ही तो होगा, क्योंकि अगर वो हमने किसी, हमें पता है कि हम चोर कौन है, तो उसके लिए पहले से ही हमने उसके लालच वाला काम शुरू लगा के रखा है कि हाँ सोना रखा हुआ है, पहले ही चोर आएगा सबसे पहले सोने पे ही अटैक करेगा, अगर चोर वो आदमी चोर नहीं होगा तो सोने को छुएगा ही नहीं, है ना। तो इसीलिए ये जो एंटीजन है ये आके उनकी स्पेसिफिक एंटीबॉडी को हमने यूज किया, तो एंटीजन एंटीबॉडी पे आके स्टक हो जाएंगे। इतनी चीजें हमें क्लियर हो गई तो हमारा फोर्थ स्टेप पूरा होता है। फोर्थ स्टेप के बाद फिफ्थ स्टेप में हम वापस से वॉशिंग करेंगे, क्यों, ताकि जो एंटीजन एंटीबॉडी से बाइंड नहीं कर सके वो वॉश ऑफ हो जाए और हमारा एक्यूरेसी का चांसेस बढ़ जाए। ठीक है, तो ये सारी चीजें हुई। अब आप इस वहां पे इस वाली फिगर पे आए, यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे आपको क्या शो हो रहा है, यहाँ पे आपको ब्लॉकिंग बफर शो हुआ है। ब्लॉकिंग बफर से आप क्या समझ रहे हो, ब्लॉकिंग की हुई है यहाँ पे, और ये जो येलो कलर से आपको शो की गई है ये है प्राइमरी एंटीबॉडीज। और बिकॉज सैंडविच एलाइजा में टू टाइप्स की बॉडी यूज होती हैं, तो प्राइमरी एंटीबॉडी जो है वो एंटीजन को कैरी करती है, मतलब एंटीजन उस पर आके जुड़ता है, तो इसीलिए इनको कैप्चर एंटीबॉडी भी हम यहाँ पे कहते हैं। और यहाँ पे ब्लॉकिंग की है हमने, ब्लॉकिंग रिएजेंट का यूज करके, इसीलिए हमने ब्लॉकिंग बफर इसको बोला है। ठीक है, नाउ अब हमने एंटीजन को ऐड किया था बफर के साथ मिला के, क्या किया था, फिर एंटीजन को ऐड किया, तो हम क्या देखेंगे यहाँ पे, ये जो एंटीजन है ये आके आपको ग्रीन कलर से शो हो रहा है, येलो यानी एंटीबॉडी यानी कैप्चर एंटीबॉडी पे ये एंटीजन आके जुड़ जाएगा, है ना, ये एंटीजन आके जुड़ जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, फिर से हम वॉशिंग कर देंगे, हाँ, और वॉशिंग के बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा कि हम सेकेंडरी एंटीबॉडी जो होंगी उनको ऐड करेंगे। नेक्स्ट स्टेप हमारा स्टेप नंबर 6 रहेगा, क्योंकि यस वॉशिंग के बाद स्टेप नंबर 6 हमारा रहेगा कि हम एडिशन करेंगे सेकेंडरी एंटीबॉडी का। अब हम कहेंगे कि सेकेंडरी एंटीबॉडी जो है वो कैसी रहेगी, ये सेकेंडरी एंटीबॉडी बायोटिन लेबल्ड रहेगी। यहाँ पे ये डिफरेंस है थोड़ा सा कि यहाँ पे क्या होगा, ये जो सेकेंडरी एंटीबॉडी होगी ये बायोटिन लेबल होगी। आप समझते हैं बायोटिन क्या होता है, बायोटिन हम बोलते हैं वाइटामिन बी को, या फिर विटामिन एच का नाम भी बायोटिन होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, जो सेकेंडरी एंटीबॉडी यूज करते हैं, ये सेकेंडरी एंटीबॉडी कैसी होती है, बायोटिन लेबल होती है, यहाँ पे बायोटिन प्रेजेंट होता है। ये बायोटिन क्यों हमने क्या किया है, ये बायोटिन जो है इसको हमने यहाँ पे क्यों ऐड किया है, इस बायोटिन को हमने इसलिए ऐड किया है बिकॉज ये जो बायोटिन है ये जो क्या होता है ना, जो लो अबंडेंस के प्रोटीन होते हैं, लो अबंडेंस के प्रोटीन होते हैं जो कि डिटेक्शन में क्या करते हैं, फॉल्स रिजल्ट फॉल्स कर सकते हैं या फिर जो सिग्नल्स नहीं देंगे, तो लो अबंडेंस के जो प्रोटीन है उनको डिटेक्ट करता है ये बायोटिन वाली एंटीबॉडी, बायोटिन लेबल एंटीबॉडी। एंड सेकेंड काम ये क्या करता है बायोटिन लेबल एंटीबॉडी, कि ये जो हमारा सिग्नल फॉर्मेशन होगा, डिटेक्टर सिग्नल फॉर्मेशन का काम करेंगे, तो सिग्नल फॉर्मेशन जो होगा उसकी एम्प्लीफिकेशन करेगा, दैट इज सिग्नल को बढ़ाएगा। तो ये दो काम करते हैं कौन, बायोटिन लेबल्ड एंटीबॉडी। ठीक है, और एक चीज, ये जो बायोटिन लेबल्ड एंटीबॉडी है ये सेकेंडरी एंटीबॉडी की तरह काम कर रही है ना। तो और एक चीज यहाँ पे देखिए कि ये जो बायोटिन लेबल्ड एंटीबॉडी है इसी पे आके स्ट्रेप्टोविडिन एचआरपी जुड़ता है, दैट इज स्पेसिफिक एंजाइम जो है वो आके जुड़ेगा, स्ट्रेप्टोविडिन एचआरपी हॉर्स रेडिश पेरोक्सीडेज। ठीक है, ये आके जुड़ता है। नॉर्मली हम क्या कह रहे थे कि जब कोई भी सेकेंडरी एंटीबॉडी आके एड होती थी, सी एक मिनट, नॉर्मली जब कोई भी सेकेंडरी एंटीबॉडी आके ऐड होती थी, लाइक ये सेकेंडरी बॉडी आ रही है, सेकेंडरी एंटीबॉडी आ रही है, तो ये एंजाइम लिंक्ड होती थी, ऐसा हम करते थे ना। तो हमने यहाँ पे क्या किया, जो सेकेंडरी एंटीबॉडी का यूज किया वो बायोटिन लेबल्ड है, और क्यों बायोटिन लेबल्ड है वो हम समझ चुके हैं, बिकॉज वो क्या करेगा, सिग्नल एम्प्लीफिकेशन को बढ़ाएगा। सेकेंड थिंग ये है कि ये जो बायोटिन बायोटिन होता है इसके अंदर ये कैपेसिटी होती है कि ये किसी भी मैक्रोमोलिक्यूल के साथ, चाहे वो प्रोटीन हो या फिर कोई भी अदर मॉलिक्यूल हो, उसके साथ नॉन कोवेलेंटली बाइंड कर सकता है। क्या है, नॉन कोवेलेंटली बाइंड करेगा, और नॉन कोवेलेंटली बाइंड करेगा वो भी हाई एफिनिटी में। ठीक है, वो भी हाई एफिनिटी में। तो ये जो बायोटिन होगा वो क्या करेगा, नॉन कोवेलेंटली बाइंड करेगा किसी भी मैक्रोमोलिक्यूल के साथ, किसी भी एंटीबॉडी के साथ। तो इससे क्या होगा, यहाँ पे ये हाई एफिनिटी के साथ इस प्राइमरी एंटीबॉडी सेकेंडरी एंटीबॉडी से बाइंड किए हुए है। उसके बाद यहाँ पे कोई एंजाइम आएगा जिसको हम बोल रहे हैं स्ट्रेप्टोविडिन एचआरपी। हमें पता है एंजाइम क्या होता है, हमेशा स्पेसिफिक एंजाइम का यूज करते हैं जिसके स्पेसिफिक सब्सट्रेट आके जुड़ता है ना, स्ट्रेप्टोविडिन। एक मिनट, यस, स्ट्रेप्टोविडिन एचआरपी यानी हॉर्स रेडिश पेरोक्सीडेज, हॉर्स रेडिश पेरोक्सीडेज।
यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस बायोटिन के साथ ये एंजाइम जो है आके जुड़ जाएगा, जिससे क्या होगा कि जब ये बायोटिन जो होता है, जब ये किसी एंजाइम के साथ आके जुड़ता है, कॉन्जुगेटेड एंजाइम, क्योंकि ये होता है ना, कॉन्जुगेटेड एंजाइम होता है, तो ये क्या होता है, जब भी किसी कॉन्जुगेटेड एंजाइम के साथ जो स्पेसिफिक होता है उसके साथ जुड़ता है, तो ये और ज्यादा कॉन्जुगेटेड प्रॉपर्टी शो करता है। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा कि यहाँ पे जो रिजल्ट आएगा वो और ज्यादा स्पेसिफिक होगा और ज्यादा हाई एक्यूरेसी शो करेगा। तो इसीलिए हम बायोटिन लेबल्ड एंटीबॉडी का यूज करते हैं सैंडविच एलाइजा के अंदर। और बस अब हम वही करेंगे अपने नेक्स्ट स्टेप जो हमने किया। सपोज ये हमारी है बायोटिन लेबल्ड एंटीबॉडी, ठीक है, और यहाँ पे एंजाइम लिंक है कौन सा, स्ट्रेप्टोविडिन HRP, है ना। तो अब देखिएगा यहाँ पे आप ये वाली फिगर, आप यहाँ पे देखिए, आप इस पे और अच्छे से समझ जाएंगे। अब एक्सप्लेनेशन क्योंकि हो चुकी है तो आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अब यहाँ पे देखिएगा, ये एंटीजन था, एंटीजन पे हमने जो एंटीबॉडी ऐड की वो क्या है, बायोटिन लेबल डिटेक्शन एंटीबॉडी, ठीक है, तो डिटेक्शन का काम करेगी। और इसके स्पेसिफिक क्या आएगा यहाँ पे, स्ट्रेप्टोविडिन HRPO, दैट इज होल रेडिश पेरोक्सिडेज एंजाइम, ठीक है, ये आएगा। ये यहाँ पे क्रॉस की फॉर्म में आपको शो किया हुआ है। इससे क्या होगा कि जब बायोटिन और ये HRPO साथ में जुड़ेगा तो इनकी कॉन्जुगेटेड प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा होगी, बिकॉज ये बायोटिन एबिलिटी रखता है कि हाई एफिनिटी के साथ किसी भी मैक्रोमोलिक्यूल एंटीबॉडी वगैरह के साथ जुड़ता है और एक्यूरेसी शो करता है। ठीक है, अब HRPO आया, हमने एंजाइम लिंक्ड एंटीबॉडी को यहाँ पे अटैच कर दिया। नेक्स्ट हमारा स्टेप क्या रहेगा, बिकॉज ये जो HRPO है ये स्पेसिफिक है, तो इसके स्पेसिफिक सब्सट्रेट की हम ऐड करेंगे, है ना, एंजाइम के स्पेसिफिक सब्सट्रेट ऐड करते हैं। सो HRPO एंजाइम के स्पेसिफिक सब्सट्रेट का नाम होता है TMB सब्सट्रेट, दैट इज टेट्रामिथाइल बेंजाइडिन, ये हमें पता है, ठीक है, टेट्रामिथाइल बेंजाइडिन। और बस जब यहाँ पे ये सब्सट्रेट ऐड हो गया, बिकॉज ये सब्सट्रेट कैसा होता है, सब्सट्रेट हमारा होता है क्रोमोजन, दैट इज कलर प्रोड्यूसिंग सब्सट्रेट होता है, और क्रोमोजन सब्सट्रेट हमेशा क्या करेगा, जब वो एंजाइम के साथ बाइंड करेगा तो वो कलर प्रोड्यूस करेगा, ठीक है, तो प्रोडक्ट कैसा रहेगा, कलर्ड प्रोडक्ट रहेगा। ओके, कैसा कलर प्रोड्यूस करेगा, वो ब्लू कलर प्रोड्यूस करेगा। ओके, एंड सेकेंड थिंग, ऑब्वियसली जब हमें यहाँ पे शो हो जाएगा, ये सब डिटेक्टर शो करेगा, हमारी माइक्रोटाइटर प्लेट के ऊपर डिटेक्टर्स होते हैं, और देन जब हमें हमारा रिजल्ट मिल जाएगा उसके बाद क्या करेंगे, स्टॉप सॉल्यूशन का वहाँ पे एडिशन करेंगे, दैट विल बी एक्ट एज H2SO4 विल बी एक्ट एज द स्टॉप सॉल्यूशन, एंड स्टॉप सॉल्यूशन की तरह ये काम करेगा और क्या करेगा कि जो इफेक्ट होगा सब्सट्रेट का उसको कम कर देगा। ठीक है, इस तरह से हमारी ये जो पूरी प्रोसीजर है कंप्लीट हो जाती है सैंडविच एलाइजा के अंदर। ठीक है, और इस तरह से चीजें डिटेक्ट होती हैं, दैट इज एंटीजन का डिटेक्शन हो जाता है। कैसे, क्योंकि वहां पे एंटीजन जो था वो एंटीबॉडी स्पेसिफिक था, है ना, और ये एंटीबॉडी ऑलरेडी एंटीजन के स्पेसिफिक थी, तो ये जो प्राइमरी एंटीबॉडी थी जिनको हम कैप्चर एंटीबॉडी बोल लेते हैं, ये वही एंटीबॉडी थी जो कि स्पेसिफिकली एंटीजन के लिए रखी गई थी कि ये एंटीजन आएगा तो इस पे आके जुड़ जाएगा, ये यहाँ पे हमने रख दिया। देन सेकेंडरी एंटीबॉडी को यूज किया, ये जो सेकेंडरी एंटीबॉडी है बिकॉज यहाँ पे हम डिटेक्टर्स लगा रहे हैं, सो इसको हम डिटेक्शन एंटीबॉडी बोलते हैं। ठीक है, इसको हम डिटेक्शन एंटीबॉडी बोल रहे हैं। यहाँ पे बायोटिन लेबल हम यूज करेंगे बिकॉज वो हाई एफिनिटी रखेगा, हाई एफिनिटी से क्या होगा, वो कॉन्जुगेटेड की प्रॉपर्टी को, कॉन्जुगेशन की प्रॉपर्टी को बढ़ा देगा, डिटेक्शन और अच्छी एक्यूरेसी के साथ होगा, दैट इज बायोटिन के साथ। और क्या चीजें हैं कि ये लो अबंडेंस प्रोटीन को डिटेक्ट करेगा, दैट इज इसके अलावा दूसरी चीज ये रहेगी कि ये एम्पलीफिकेशन को बढ़ा देगा, किसी जो सिग्नल्स आएंगे उनकी एम्पलीफिकेशन को बढ़ाएगा। सिग्नल्स कैसे, कि यस एंटीजन प्रेजेंट है, कलर से ही तो हमें कलर की इंटेंसिटी से पता लगता है ना, तो एंटीजन प्रेजेंट है, ये चीज सिग्नल्स शो करेंगे तो सिग्नल की इंटेंसिटी को, सिग्नल्स को बढ़ा देगा, एम्पलीफिकेशन कर देगा उनके, एम्पलीफिकेशन मतलब बढ़ाना, काउंटिंग में बढ़ाना, उनकी नंबर प्रोड्यूस करना। ठीक है, तो इस तरह से हमारी सैंडविच एलाइजा पूरी हो जाती है, और होपफुली ये सब चीजें आपको समझ आई होगी, मैंने चीजें अच्छे से एक्सप्लेन की होंगी, और अगर आपको सब कुछ अच्छे से समझ आया है तो स्टे ट्यून्ड फॉर मोर लेक्चर्स एंड मोर वीडियोज, एंड कीप सपोर्टिंग मी, थैंक यू, स्टे सेफ एंड बाय बाय, राधे राधे।